ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। ये सामवेद की है तलवकार शाखा। तो यहाँ पे केनोपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान भाष्यकार ने दो भाष्य लिखे हैं, एक तो पदभाष्य और दूसरा वाक्य भाष्य। दो भाष्य क्यों लिखे, इसका कारण मनीषी लोग बताते हैं कि प्राय करके जितने हम लोग 10 उपनिषद पढ़ते हैं, सभी उपनिषदों के कुछ न कुछ वाक्य ब्रह्मसूत्र में विचार किए गए हैं। वाक्यों को लेकर के, ईशावास्य के वाक्यों को लेकर के, और अन्य सभी कठोपनिषद के वाक्यों को लेकर के, मुंडक उपनिषद के वाक्यों को लेके विचार किया गया है ब्रह्मसूत्र में। किंतु केनोपनिषद के वाक्य को लेकर के, मतलब किसी भी अधिकरण, ब्रह्मसूत्र में 191 अधिकरण है, 555 सूत्र है, तो किसी भी अधिकरण का विषय वाक्य केनोपनिषद से संबंधित नहीं है। इसलिए भगवान, और बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने दो दो भाष्य, एक भाष्य लिख करके उन्हें संतोष नहीं हुआ, पहले पद भाष्य लिखे और बाद में वाक्य भाष्य भी उन्होंने लिखा। तो इस तरह से दो भाष्य इस पे है, तो मतलब इससे भी इसकी महत्ता, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में आती है। ये सामवेद की जो है उपनिषद, सामवेद में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, 1000 शाखाएं सामवेद की है, 1000 शाखाएं पूरे, मतलब 1180 शाखाओं में, वेद में 1180 शाखाएं हैं, उसमें से 1000 शाखाएं सामवेद में ही आती है। सामवेद सामगान आदि, इसका जो है बहुत प्रयोग होता है यज्ञ आदि में। तो अब ये जो उपनिषद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सामवेद की तलवकार शाखा के 9वें अध्याय में, तलवकार ब्राह्मण भाग की उपनिषद, 8 अध्याय तक तो कर्मकांड आदि संबंधी मंत्र है, 9वें अध्याय मतलब 9th चैप्टर जो है, 9वें अध्याय ये उपनिषद है, तो इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले उपनिषद शब्द का अर्थ बता देता हूँ, पहले भी बताया हूँ। उपनी और उपसर्ग पूर्वक सदृढ़ धातु जो विसरण गति अवसाधन अवसाधन, विसरण यानी शिथिलता, गति यानी प्राप्ति, और अवसाधन यानी नाश, इन तीन अर्थों वाली उपनिषद शब्द है, ये धातु है सद धातु, उससे बना उपनिषद। उपनितराम साधयति इति उपनिषद, जो पूरी तरह से अज्ञान को नष्ट करके अज्ञान जन्य दुखों को शिथिल कर देती है और स्वरूप भूत ब्रह्म की प्राप्ति करा दे, उसे उपनिषद शब्द से कहा जाता है। तो उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ तो ब्रह्म विद्या ही है, लेकिन ये ग्रंथ उसका प्रतिपादन करता है, इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। ये बात भी बताया हो, लेकिन नई उपनिषद आरंभ कर रहा हूँ इसलिए फिर से बता दी। तब यहाँ पे अब किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शांति पाठ होता है ना, तो यहाँ भी शांति पाठ, इसका केनोपनिषद का शांति पाठ पहले हम लोग विचार करेंगे।
श्रेयांसी बहु विज्ञानी भवंती महतामपि, बड़े बड़े महान पुरुषों को भी श्रेय उत्तम कार्य में नाना प्रकार के विघ्न होते हैं। इसलिए विघ्नों की निवृत्ति करने के लिए देवता लोग भी विघ्न करते हैं। देवता लोग भी अत्यंत निर्दोष तो नहीं माने जा सकते, वो भी चाहते हैं कि मनुष्य हमारे सिर के ऊपर न बैठे, मनुष्य हमसे बड़ा हो जाए, ज्ञानी बन जाए और हम जो है उसके नौकर के समान हो जाए। ऐसा कौन चाहता है? लोक में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा नौकर हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाए। इसलिए देवता लोग मनुष्य चाहते हैं कि भाई मनुष्य हमारा पशु ही बना रहे, हमको आहुति आदि देते रहे, इसलिए वो विघ्न करते हैं। किंतु जब हम स्तुति करेंगे, स्तुति पाठ आदि करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहीं कहीं जो है जो देवताओं की स्तुति और यहाँ पे तो सीधे ब्रह्म की स्तुति करेंगे परमात्मा की, तो इससे जो है थोड़ा हमारे अंदर सात्विकता भी आएगी बुद्धि में। इससे सात्विकता आने से विषय को समझने में सरलता होगी, विषय बहुत सूक्ष्म है यहाँ का। इसलिए शांति पाठ, इसका शांति पाठ है सहनावतु, यहाँ पे तो दो दे रहे हैं, प्रथम पेज पे ही, पेज नंबर 1 पे ही देखिए इसको। हाँ पहला, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शब्द नहीं दिए लेकिन लिख लेना चाहिए ओम, क्योंकि आरंभ में वेद मंत्र है। तो ओम यह परमात्मा का वाचक, यानी निर्विशेष का लक्षक और सविशेष का वाचक, यह ओम शब्द होता है। तो परमात्मा को का ध्यान हो गया ओम शब्द के माध्यम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, वह जो परमात्मा है एक साथ में हम दोनों को रक्षा करे, अवरक्षणे हम दोनों की रक्षा करे, नव यानी आवाम हम दोनों की साथ में रक्षा करे। कौन हम दोनों? आचार्य और शिष्य, क्योंकि कोई विद्या है एक पढ़ाने वाला, एक अध्ययन करने वाला, एक अध्यापन करने वाला, एक अध्ययन करने वाला। जो अध्ययन करा रहा है उसे आचार्य कहते हैं, जो अध्ययन कर रहा है उसे शिष्य कहेंगे। तो यहाँ ये प्रार्थना कर रहे कि सह नव अवतु नव आवाम, हम दोनों को एक साथ में ही वह परमात्मा रक्षा करे। तब यहाँ ये शंका होगी कि आखिर क्यों रक्षा की प्रार्थना कर रहे? रक्षा तो शत्रु से जो है रक्षा होती है, कौन सा शत्रु आपको मार रहा है कि क्यों, कौन परेशान कर रहा है? शत्रु कोई आ गया है क्या आपके सामने? तो यहाँ बताएंगे नहीं भाई, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। अज्ञान से जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है। जो स्वयं सच्चिदानंद रूप है वही संसार में भटक गया, अपने आप को जो है शरीर आदि रूप मानता है, सुखी दुखी हो रहा है। तो इसलिए अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है, उससे बढ़कर के एक शत्रु, अन्य शत्रु तो एक बार मारेंगे। अज्ञान जो है अनादि काल से न जाने कितनी बार मार दिया है, न जाने कितने योनियों में भटक चुके, कितने जन्म ले चुके, 84 लाख योनियों में न जाने कितनी बार हम लोग गए हैं, हर एक योनि में गए हैं। तो बताओ ये सब अज्ञान के कारण ही हो रहा है, इसलिए अज्ञान से बढ़कर के शत्रु क्या क्या हो सकता है? इसलिए वेदव्यास जी ने महाभारत में एक श्लोक लिखे, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा व प्रपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा पहारिणा। हमारी आत्मा सच्चिदानंद रूप है और उसको हम जीने मरने वाला मान रहे हैं, अभावग्रस्त मरण धर्मा सुखी दुखी संसारी मान रहे हैं। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, सच्चिदानंद को मरने जीने वाला मान लिया। तो किम तेन न कृतम पापम, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कौन सा पाप नहीं किया गया? चोरेण, वो चोर है, उस चोर के द्वारा क्या पाप नहीं किया गया? आत्मा पहारिना, अपने स्वरूप का ही अपहरण कर लिया।
इसलिए सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। तो भाई ठीक है, अज्ञान शत्रु, अज्ञान से रक्षा कैसे होगी? तो यहां बताएंगे कि वह विद्या का स्वरूप प्रकाशन करके, विद्या के स्वरूप, जो विद्या हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, वो विद्या हमारी बुद्धि में आए, इसके स्वरूप का प्रकाशन हो। तो विद्या के द्वारा विद्या का नाश होता है, जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार का नाश होता है। इसलिए विद्या के स्वरूप का प्रकाशन करके वह परमात्मा हमारी रक्षा करे। सहनव भुनक्तु, और एक साथ में ही पालन करे, हम दोनों की रक्षा करे, पालन करे। भाई दो प्रकार से होता है ना, जैसे किसी राज्य, किसी देश का राजा है, वो शत्रुओं से रक्षा करता है, सीमा पे जो है सैनिक खड़ा रखता है कि जिसे शत्रु ना आए, और राज्य के भीतर अगर कोई महामारी हो गई तो उससे भी प्रजा की रक्षा करेगा। बाहर से रक्षा करना, भीतर से भी रक्षा करना। इसी प्रकार यहाँ पे भी, जैसे छोटे बच्चे को भी माता भोजन खिला करके अंदर से जो है मजबूत बनाती है, और कोई जो है मच्छर ना काटे, कोई कीड़ा ना काटे, कुछ जो है अन्य परेशानी ना हो, तो बाहर से भी रक्षा करती है। तो दो प्रकार की रक्षा होती है, और सहनव भुनक्तु, साथ में हमारा पालन करे, आत्मस्वरूप का प्रकाशन करके पालन करे, आत्म विद्या के स्वरूप का प्रकाशन करके रक्षा करे, और उसका जो है विद्या के फल का प्रकाशन करके, आत्मस्वरूप का प्रकाशन करके हमारी रक्षा करे। किंतु आत्मस्वरूप का अनुभव तब करोगे जब आपके अंदर सामर्थ्य हो, नहीं तो नाना प्रकार के जो है विषयों में ही बुद्धि जाती है, विषयों का तिरस्कार करे, भले बहुत पढ़ ले, लिख ले, अध्ययन कर ले, लेकिन विषयों का तिरस्कार नहीं कर पाता। इसलिए वो सामर्थ्य हमारे अंदर आए कि विषयों का हम तिरस्कार कर ले, अद्वैत वासना उत्पन्न हो जाए। इसलिए कह रहे सह वीर्यम करवा भय, हमार हम दोनों में एक साथ में अलौकिक सामर्थ्य की उत्पत्ति करे। वीर्य सामर्थ्य, जिससे हम विषयों का तिरस्कार करके आत्मा का, मतलब ज्ञान को धारण करके, आत्मा का अनुभव करके मुक्ति का अनुभव करें। इसलिए साथ में वीर्य, वीर्य यानी सामर्थ्य वो करें। तेजस्वी नाव अधीतमस्तु, हमारा जो अधीत है, अध्ययन किया हुआ है, वह तेजस्वी हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, कोई से किसी से पूछेंगे तो तुरंत बता देगा, किसी किसी से पूछेंगे प्रश्न ही नहीं समझेगा, और किसी से पूछेंगे तो बताएगा कि महाराज याद तो आ रहा है, लेकिन जानता तो हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो तुरंत बता दे उसका अधीत तेजस्वी है, तुरंत वो बता देगा, है ना। जिसका जो याद ही नहीं आ रहा है, बताओ क्या क्या अधीत, उसका अध्ययन किया हुआ तेजस्वी नहीं है। इसलिए नव, हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया हुआ है वह तेजस्वी हो, हम हृदयंगम करके उसको धारण कर ले। जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला एकदम साफ दिखता है, ऐसे ही हमें उस स्वरूप का प्रकाशन हो, तेजस्वी अध्ययन हो, सारी विद्या हमारे अंदर सदा हृदयंगम कर ले। और सबसे बड़ी बात, माँ विद्विषा भय, हम दोनों आचार्य और शिष्य कभी विद्वेष न करें आपस में। तो यहाँ ये शंका हो सकती है आपको कि भाई लोक में दो समझदार व्यक्ति हो, उनमें झगड़ा होता नहीं। अब बताओ, ये बताओ, एक जो है वेदांत का अध्ययन करवा रहे, दूसरा वेदांत का अध्ययन कर रहा है, एक जो है ज्ञानी है और दूसरा जो है अध्ययन करने जा रहे कर रहे हैं, मुमुक्षु है, तो दोनों में विद्वेष प्राप्त कैसे होगा, कैसे विद्वेष करेंगे? तो ये यहां ये बताई नहीं, जो प्रमाद कृत अन्याय से अध्ययन अध्यापन है, उससे भी विद्वेष हो जाता है। अन्याय से अध्ययन अध्यापन हो तो परस्पर विद्वेष हो जाता है। और भी देखिए, बहुत उदाहरण आते हैं,
परशुराम जी और भीष्म जी के बीच में युद्ध हो गया। कर्ण जो है उनसे विद्या ले रहे तो उनको शाप मिल गई। और भी बड़े बड़े जो है ऋषियों में आपस में विवाद हो गया। परशुराम जी इनका वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का युद्ध जानते ही हैं, क्या बताओ, वो तो ऋषि थे, कैसे झगड़ा कर ली। तो भी ऐसा प्रमाद से हो जाता है। प्रमाद कृत जो अन्याय से अध्ययन अध्यापन, उससे विद्वेष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हृदय जो है कभी कभी, यहाँ भी महात्माओं में भी देखता हूँ, गुरु जिस गुरु से अध्ययन किए उन्हीं के फिर बाद में निंदा भी कर लेते हैं। तो मतलब इस तरह से उनको लगता है कि हमारे साथ गलत किए हैं, अथवा ये भी हो जाता है। इसलिए ये जो है, हाँ जी बोलिए। विद्वेष मतलब विशेष द्वेष, बहुत द्वेष, विद्वेष, विद्वेष न कर, हाँ द्वेष का ही वही विशेष एक विद्वेष, विशिष्ट द्वेष, परस्पर द्वेष न करे, विद्वेष वही मतलब सामान्य समान ही अर्थ है, थोड़ा सा विशेष अर्थ हो गया कि विशिष्ट द्वेष, विद्वेष। तो परस्पर हम आपस में विद्वेष न करें, इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना किए। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। ये पहला जो है शांति पाठ। दूसरा भी यहाँ दिए है, उसको भी देख लीजिए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि। ओम समझ लीजिए, यहाँ पहले दिए तो नहीं होना चाहिए। ओम परमात्मा का जो है ध्यान कर रहे कि आप्यायन्तु मम, उनसे प्रार्थना करें आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे जितनी अंग है पुष्ट हो। तो यहाँ ये भी शंका हो सकती, भाई अंग पुष्टि क्यों चाहते हो, कोई पहलवानी करना है क्या, कोई रेसलिंग करना है, अंग पुष्ट करना चाहते, आप तो शरीर भाव से ऊपर उठना है, वेदांत साधना करे शरीर भाव से ऊपर उठने के लिए। और शुरुआत में कह दिए ऐसा करो कि मुझे मजबूत बना दो, मैं पहलवान जैसे हो जाओ, अंग पुष्ट हो जाए। अंग पुष्ट होने का मतलब साधना के अनुकूल हमारा शरीर बने, मेरे सभी अंग साधना के अनुकूल बने, प्रतिकूल ना हो, साधना के लायक हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन होता है। बिस्तर पे पड़ गए तो क्या विचार करोगे, पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, भले कितना भी सुन के श्रवण किए हो, अभ्यास पहले से नहीं किए तो जो है विचार नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहला धर्म का साधन, शरीर ठीक होना चाहिए। इसलिए कह रहे आप्यायन्तु ममांगानि, कि मेरे अंग पुष्ट हो, साधना के योग्य हो। कौन कौन से अंग, वाक प्राणस चक्षु श्रोत्र मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। वाणी प्राण, चक्षु नेत्र, श्रोत्र, तो वाणी से सभी कर्मेंद्रियों को ले लीजिए, प्राण जो क्रिया शक्ति प्रदान करने वाला है सभी शरीर में, चक्षु नेत्र श्रोत्र, क्योंकि चक्षु नहीं होगी देख नहीं सकते, श्रोत्र नहीं होगा ठीक से श्रवण नहीं कर पाओगे, श्रोत्र में सामर्थ्य नहीं होगा श्रवण नहीं कर पाओगे, वाणी अगर सामर्थ्य नहीं कुछ पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ जो है पूछना है तो वाणी के द्वारा पूछोगे। इसलिए ये सभी जो है ठीक हो, पुष्ट हो, साधना के योग्य बने। अथो बलम, बल भी जो है मेरे अंदर हो, पुष्ट हो, बल भी जो है बता दिया कि उपनिषद नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, आत्मा बलहीन पुरुष के द्वारा लभ्य नहीं है,
बल होना चाहिए, वहां बल का अर्थ है कि विषय तिरस्कार रूपी बल, और शरीर में बल होना चाहिए, बिना बल के जो है निर्बल होगा तो कुछ साधना नहीं कर सकता। इंद्रियाणि च सर्वाणि, सभी इंद्रिया मेरे जो है पुष्ट हो, साधना के योग्य हो। पुष्ट होने का मतलब वो साधना के योग्य लेना। कोई यहाँ पहले ही बता दिए, कोई यहाँ रेसलिंग तो करना नहीं है, साधना के योग्य हो। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वम जितना भी दृश्यमान जगत है सब ब्रह्म रूप है। कौन सा ब्रह्म? औपनिषद ब्रह्म। उपनिषद में जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है सच्चिदानंद ब्रह्म, पूरा का पूरा संसार सच्चिदानंद ब्रह्म रूप है। और इस बात को ईशावास्य में पहले ही मंत्र में देखो मैं बताया था, ईशावास्य मिदम सर्वम, पूरे संसार में पांच रूप दिख रहे, अस्ति भाति प्रियम रूप नाम। नाम रूप अंश को बाधित कर दो, सच्चिदानंद अंश सभी जगह है, सभी जगह सत्ता दिख रही है, ज्ञान हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, ये सब चीजें। इसलिए पूरा का पूरा दृश्यमान जगत उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म रूप है। तो वो जो ब्रह्म है, माहं ब्रह्म निराकुर्या, मैं उस ब्रह्म का निराकरण न करूं, उस ब्रह्म का निराकरण न करूं, यानी मैं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी न मानूं। ब्रह्म का निराकरण करने का मतलब ब्रह्म से भिन्न आपने मान लिया जगत को, यही ब्रह्म का निराकरण हो गया। सम्मानित पुरुष का जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो निराकरण, उसका तिरस्कार हो गया। तो मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं मतलब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी ना मानूं। और मामा ब्रह्म निराकरो, वह परमात्मा भी मेरा निराकरण ना करे, वह भी मुझे जो है प्रेरणा दे के साधना में लगाए रखे। और उपनिषद यमे वैसे वृणुते तेन लभ्यस, यह परमात्मा जिस साधक का वरण कर लेता है वही आत्मा को जान सकता है। इसलिए रामायण में भी एक चौपाई आता है, सो जाने जे दे दे जनाई, कुछ ऐसा करके आए, वही जान सकता है जिसको जो है बोध करवा दे, तो वह परमात्मा मेरा निराकरण न करे। अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम मे अस्तु, हम अनिराकरण हो, हमारा आपस में अनिराकरण हो, मैं उनका निराकरण न करे करूँ, वो मेरा निराकरण न करे। तदात्मनि निरते, उस आत्मा की साधना में जो मैं निरत हूँ, लगा हुआ हूँ, तो भाई जब तक दैवी संपत्ति नहीं आएगी, साधना रूपी गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, है ना। जैसे वो उदाहरण तो आप सुने ही होंगे कि वो नाव जो है रात भर नाव चलाए चलाते रहे और रस्सी खोला ही नहीं, तो वो नाव ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे जो है संसार में मन लगा रहे और खूब श्रवण करो तो जो है साधना की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कह रहे तदात्मनि निरते, उस आत्मा की साधना में मैं जो लगा हुआ हूँ, या उपनिषद सुधर्मा, जो उपनिषद में धर्म बताए गए, दैवी संपत्ति सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य मुमुक्षा, वे सभी के सभी ते मई संतु, ते मई संतु, वे सभी मेरे अंदर आए, मेरे अंदर आए। आदर के लिए दो बार दे दिए, अधिक का अधिक आए। ओम शांति शांति शांति, आदि दैविक ताप की शांति हो, आदि भौतिक ताप की शांति हो, और आध्यात्मिक ताप की शांति, तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। तीनों प्रकार के तापों से निर्मुक्त हो करके हम साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ आपको बता दिया कि दो प्रकार का भाष्य है। भाष्य किसे कहते हैं पहले ये आपको बता देता हूँ, है ना। भाष्य क्या चीज है? भाष्य का लक्षण आता है सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, वाक्य सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु, जिसमें सूत्र के अर्थ, सूत्र ले लो अथवा मंत्र ले लो, कहीं कहीं मंत्रार्थो भी आता है, और वैसे देखा जाए तो मंत्र भी सूत्र रूप ही है, क्योंकि बड़ी गूढ़ बात को बताता है। सूत्र से मंत्र भी लिया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है।
तो जिसमें सूत्रों के अर्थ का वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन किया जाता है? वाक्य सूत्रानुसार भी, सूत्रों का अनुसरण करने वाले वाक्यों के द्वारा। कोई खंडन नहीं, सूत्रों का अनुसरण करने वाले वाक्यों के द्वारा जब सूत्र के अर्थ को, मंत्र के अर्थ का वर्णन जहाँ किया जाता है, और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और अपने पद, स्वयं पद, संग्रह भाष्य, विवरण भाष्य, ये सब आपको मिलेगा। संग्रह भाष्य दे देंगे थोड़ा संक्षेप में बोल करके, फिर उसका विवरण करेंगे, तो स्वपदों का भी वर्णन जिसमें किया जाता है उसे कहते भाष्य, भाष्यम। ऐसा भाष्य के जानने वाले लोग यही लक्षण करते। इसमें दो भाष्य है। पहले हम लोग पूरा पद भाष्य की का विचार करेंगे। पूरा पद भाष्य होने के बाद में वाक्य भाष्य आएगा। देखिए, इसलिए जो इवेन नंबर वाला पेज है 2, 4, 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो पद भाष्य है। पहले पद भाष्य ही पूरा चलेगा, फिर इसके बाद राइट हैंड साइड वाला जो वाक्य भाष्य है, पद भाष्य पूरा होने के पूरा विचार जब जितने दिन भी में भी हो जाए, इसके बाद वो वाक्य भाष्य हम आरंभ करेंगे। तो एक क्रम से ऐसा यहाँ भी। हाँ जी बोलिए। नहीं 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 पूरा ग्रंथ पूरा होने तक पद भाष्य। अच्छा, हाँ ऐसे यहाँ महाराज जी भी ऐसी पढ़ाए हैं, मैं भी ऐसे ही कराया हूँ कि पूरा पद भाष्य होने के बाद फिर वाक्य भाष्य शुरू से ले लेंगे। हाँ देख लीजिए, पेज नंबर 2 पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पद भाष्य है, राइट हैंड साइड वाला वाक्य भाष्य है। तो हम देख लीजिए, अथ श्रीमद शंकर भगवत पाद पाद विरचितं पद भाष्यम। श्रीमद जो शंकर भगवत पाद, भगवान शंकराचार्य जी, उनके द्वारा विरचित पद विरचितम पद भाष्य। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। पहले टीका देखिए, टीका का मंगलाचरण। अथानंद गिरी कृता टीका, आनंद गिरी जी के द्वारा टीका लिखी गई है। और आनंद गिरी जी टीका में शुरुआत में ही मंगलाचरण देते हैं। किस प्रकार का मंगलाचरण देते हैं? जैसा उपनिषद में मंत्र के शब्द आए हैं, जिस प्रकार से आत्मा का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार से उनका मंगलाचरण हर जगह देखा जाता है। ईसावास्य में भी आप लोग ध्यान में होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसा मंत्र में आए वैसे ही कहे। देखिए, यश्रोत्रादेरधिष्ठानं चक्षुर्वागाद्य गोचरम स्वतोध्यक्षं परं परब्रह्म नित्यमुक्तं भवामि तत्। यश्रोत्रादेरधिष्ठानं, जो श्रोत्रादि इंद्रियों को, अभी मंत्र आएगा श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्रादि सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है, उनमें सत्ता स्फूर्ति देने वाला, प्रेरणा देने वाला है, अधिष्ठान, अधिष्ठाता, नियामक, नियामक का अर्थ बताया हूँ कि जो है ना, सन्निधि मात्र से जो जड़, सन्निधि मात्र से जड़ में जो नियमन व्यापार का हेतु बन जाए। ये जो सभी पूरा शरीर इंद्रिय आदि सब जड़ है, तो भी देखो इनमें चेष्टा हो रही है, तो सन्निधि मात्र से, आत्मा की सन्निधि मात्र से इन सभी में देखो चेष्टा हो रही है। तो जो श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों में सत्ता स्फूर्ति देने वाले है, प्रेरणा देने वाले है, चक्षुर्वागाद्य गोचरम, किंतु ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु से उपलक्षित ज्ञानेन्द्रिय, वाक से उपलक्षित कर्मेंद्रिय, इन सभी का जो विषय नहीं है, इनके द्वारा जो विषय नहीं बनता, क्योंकि मंत्र भी आता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के सहित लौट आती है, विषय नहीं बना पाती, ऐसा जो तत्व है स्वतोध्यक्षम। देखो दो नंबर टिप्पणी दे दिया स्वतोध्यक्षम का, स्वयं प्रकाशम, प्रमाण व्यापार के बिना जो प्रत्यक्ष है, स्वरूपतः प्रत्यक्ष है, तो स्वयं प्रकाश, ऐसा जो पर ब्रह्म है, परश्रेष्ठ ब्रह्म, व्यापक तत्व है, बृहत है, इसलिए ब्रह्म है, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, जो बृहत है, व्यापक है, इसलिए आत्मा को ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। ऐसा जो पर ब्रह्म है, नित्य मुक्तम, नित्य मुक्त है,
बंधन की प्रतीति होती है लेकिन वास्तव में नित्य मुक्त है। भवामि तत् वही मैं हूँ, मैं वही हूँ, तद ब्रह्म हम भवामि, मैं वही हूँ। इस तरह से देखिए स्वरूप निर्देश, स्वरूप निर्देशात्मक मंगलाचरण। टीका देखिए आगे, केनेसितम इत्यादि का तलवकार शाखोपनिषदम व्याचिख्यासुर। केनेसितम यहाँ से जो आरंभ होने वाला है, पहला मंत्र है केनेसितम पतति प्रेषितम मन, पहले शब्द को लेकर के उपनिषद का नामकरण हो गया केनोपनिषद। जैसे ईशावास्य में ईशावास्य में शुरुआत में आए तो इसलिए उसका नाम ये ईशावास्य उपनिषद। तो केनेसितम इत्यादि का इति आदिर यस्या उपनिषद सा उपनिषद केनेसितम इत्यादि का ताम। केनेसितम ये जिसमें आदि में है ऐसी उपनिषद किस शाखा में है, तलवकार शाखोपनिषदम, सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत जो उपनिषद है उस उपनिषद को व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकारों, व्याख्यान करने की इच्छा वाले जो भगवान भाष्यकार है वो भगवान भाष्यकार अहम प्रत्यय गोचरस्य आत्मन संसारित्वाद। वह क्या बता रहे हैं कि अहम प्रत्यय का जो विषय है आत्मा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मोटा मैं पतला, ये जो अहम प्रतीत मैं करके प्रतीति हो रही, अहम प्रत्यय अहम इस प्रकार से जिसका ज्ञान हो रहा है, किस आत्मा का ज्ञान हो रहा है, सोपाधिक आत्मा का। तो अहम प्रत्यय गोचरस्य आत्मन जीव, ये सोपाधिक आत्मा है, उसका वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है। तो हम प्रत्यय गोचर जो आत्मा है सोपाधिक आत्मा जीव, उसके आत्मन संसारित्वात, उसमें संसारित्व है, संसरण कर रहा है, संसार का अनुभव कर रहा है, अनर्थों का अनुभव कर रहा है। संसारी होने से असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य से असंभवात, इसलिए जो असंसारी ब्रह्म है जो संसार के धर्मों से रहित है, तो ब्रह्म रूपता जो कि उपनिषद प्रतिपाद्य है वह तो संभव ही नहीं है। बताओ एक संसारी है और एक असंसारी है, तो संसारी या असंसारी कैसे हो सकता है, जीव में ब्रह्म रूपता संभव नहीं है। इसलिए निर्विषयत्वात कोई विषय ही नहीं रहा, इसलिए अव्याख्यत्वम इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इत्याशंका, ऐसा पूर्व पक्षी शंका, ये शंका पूर्व पक्षी कहेगा, बोले भाई देखो जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, एक तो संसारी दूसरा असंसारी है, तो जब जीव ब्रह्म की एकता संभव ही नहीं है तो उपनिषद का विषय सिद्ध ही नहीं हुआ, जिसका विषय ही सिद्ध नहीं हुआ उसकी क्यों व्याख्या करोगे। ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे, नहीं अहंकार साक्षिण संसारित्व ग्राहक प्रमाणा विषयत्वा, जो अहंकार का साक्षी है, अहम वृत्ति का साक्षी है, जो शुद्ध तत्व, यद्यपि वही जो है तादात्म्याध्यास से अपने आप को संसारी मानता है, जीव मानता है, मरण धर्मा अपने आप को मानता है, लेकिन उसका जो अहंकार का साक्षी है वास्तव में वह विशिष्ट नहीं बल्कि साक्षी है। अहंकार का जो साक्षी आत्मा है उसमें संसारित्व ग्राहक प्रमाणा विषयत्वात्, संसारित्व के संसार के ग्रहण कराने वाले जो एक प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है साक्षी आत्मा। इसलिए आप ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं बोल सकते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। भाई जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आंख से देखने से मालूम पड़ रहा है क्या? जीव के स्वरूप को जानने के लिए, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए भी शास्त्र का ही आलंबन लेना पड़ेगा, मनमाने आप नहीं बोल सकते हो। तो भाई जब शास्त्र का आलंबन ले रहे हो तो शास्त्र में जो बात बताई जा रही है उसको मानना पड़ेगा, आधा उधर ले लो आधा इधर ले लो ऐसा नहीं होता है, पूरी बात फिर शास्त्र की ही लेनी पड़ेगी। जो अहंकार का साक्षी है
उसमें वास्तव में संसार नहीं है, संसार की सिद्धि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आंख से देखने से थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि संसारित्व है कि नहीं है। इसलिए उसमें संसारित्व के साक्षी में संसार के ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होने, इस प्रमाण का विषय नहीं होने से साक्षी। इसलिए ब्रह्मत्व प्रतिपादने विरोधासंभवात, जीव की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन करने में विरोध कोई नहीं है। जो साक्षी है, ब्रह्म रूप है, इसको बताने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं कर सकते कि साक्षी में संसार है। इसलिए सविषयत्वाद, यह उपनिषद सविषयक है, इसका विषय जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध है, इसलिए व्याख्येयत्वं प्रतिजानीते, यह उपनिषद व्याख्ये बनेगी, व्याख्या का विषय बनेगी, इसमें व्याख्येयत्व रहेगा, इसकी प्रतिज्ञा करते केनेसितम इत्याद्या। भाष्य देखिए, केनेसितम इत्याद्योपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या इति नवमस्याध्यायस्य आरंभ। पहले बता दिया कि तलवकार शाखा के नवम अध्याय का एक ही उपनिषद है। तो पहले प्रथम अध्याय से लेकर के अष्टम अध्याय तक कर्मकांड भाग है और नवम अध्याय उपनिषद है, ये ज्ञान कांड ज्ञान। तो केनेसितम इत्याद्य उपनिषद, केनेसितम यहाँ से जो आरंभ होने वाली उपनिषद है, इसका विषय क्या है? परब्रह्म विषया, परब्रह्म विषयो यस्या, परब्रह्म इसका विषय है, ऐसी परब्रह्म विषयक उपनिषद कहनी चाहिए, इसलिए नवम अध्याय का आरंभ वहां पे हुआ है। नवम अध्याय से आरंभ, टीका में देख लीजिए, कस्तरी नवमस्य अध्यायस्य अष्टाध्याय्यस्य नियत पूर्वोत्तर भावानुपपत्ति लभ्य संबंध। देखिए, इसके पहले आठ अध्याय आया, ये नवम अध्याय है, आठ अध्याय तक कर्मकांड है, नवम अध्याय उपनिषद है, इन दोनों में संबंध क्या है? बिना संबंध के आगे नहीं, बात नहीं बताई जाती, कुछ न कुछ संबंध रहता है। पहले ये नवम अध्याय क्यों आए, पहले क्यों नहीं थी? यानी नवम अध्याय, नाइन्थ जो चैप्टर ही आया, नवम अध्याय से आठ अध्याय पहले जो है, ये उनकी बाद नहीं क्यों आया? ठीक है, तो पूर्व यानी आठ अध्याय में नियत पूर्वत्व रहेगा, नियत पूर्व निश्चित रूप से वो पूर्व में है, और इसमें नियत उत्तर में आ गया नवम अध्याय, तो पूर्वापौर्व, एक पूर्व एक में, एक पूर्व में हुआ एक पर में हुआ, तो दोनों में क्या संबंध है? क्यों जो है उनमें आठ अध्याय के बाद ही नवम अध्याय दिया गया? तो नियत पूर्वोत्तर भावानुपपत्ति लभ्य संबंध, बिना किसी संबंध के पूर्वोत्तर भाव बन नहीं सकता। तो पूर्वोत्तर भाव है, उसकी अनुपत्ति से दोनों में संबंध मानना पड़ेगा। तो क्या संबंध है, का संबंध है? तो इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे, हेतु हेतु मद्भाव लक्षण संबंधम दर्शयितुम वृत्तम अनुवदन। आठ अध्याय के साथ में जो ज्ञान भाग आ रहा है, नवम अध्याय, इन दोनों में कार्य कारण हेतु हेतु मद्भाव संबंध, हेतु यानी कारण, हेतु मद यानी कार्य। इसके पहले आठ अध्याय कर्मकांड आया है, तो जब वैदिक कर्म निष्काम भाव से जीव करता है, अधिकारी पुरुष करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो निष्काम भाव से कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध अंतःकरण से ही ब्रह्म का विचार संभव है। तो कर्मकांड भाग बन गया हेतु कारण, अंतःकरण शोधन का कारण हुआ, और अंतःकरण शुद्ध हो करके ही ज्ञान विचार करेंगे, तो ज्ञान होगा तभी वो कार्य होगे, परंपरा देखिए वो कार्य होगी। इसी इन दोनों में कार्य कारण भाव रूपी संबंध है, इसको दिखाने के लिए वृत्तम अनुवदत, वृत्त यानी इसके पहले, ये तो नवम अध्याय है, उसके पहले जो वृत्त यानी घटित हुआ है उसका अनुवाद करके भगवान भाष्यकार
संबंध दिखा रहे हैं। प्राग भाष्य में देखिए, प्राग एतस्मात् कर्मान्यशेषतः समापितानि, इस नवम अध्याय से पहले 8 अध्यायों तक पूरी तरह से कर्मों का परिसमापन कर दिया गया, और केवल कर्म ही नहीं उपासनाओं का भी। समस्त कर्म आश्रय भूतस्य च प्राणस्य उपासनानि कर्मांग साम विषयाणि च, संपूर्ण कर्मों का आश्रय है प्राण, बिना प्राण के कोई कर्म नहीं हो सकता। जैसे आप हाथ भी उठा रहे हो तो भी प्राण प्राण के द्वारा शक्ति इसमें मिल रही है, तो बिना प्राण के कोई कर्म होता नहीं। तो संपूर्ण कर्मों का आश्रय भूत जो प्राण है, प्राण की उपासना ही बताई गई, और केवल प्राण की उपासना ही नहीं बताई गई, कर्मांग साम विषयाणि च, कर्म कांग जो साम मंत्र है, देवता है, इन सबको विषय करने वाली भी उपासनाएं बताई गई। देखो ईशावास्य उपनिषद में बताया था तीन प्रकार की उपासनाएं, अंग्रोपासना, प्रतीकोपासना और कर्मांग, कर्मांगाबद्धोपासना। देखो यह आ गया कर्मांग साम विषयाणी, ये कर्मांगाबद्धोपासना, कर्म के अंग रूप से उपासना करनी पड़ती है जिससे कर्म में न्यूनता न रह जाए। कर्म का अंग जो साम मंत्र है, मंत्र बोलेंगे तभी कर्म पूरा होगा मंत्रों के माध्यम से, तो कर्मांग साम विषयक उपासनाएं भी इसके पहले बताई जा चुकी है। मतलब कर्म और उपासना खंड इसके पूर्व में समाप्त कर दिया जा चुका है। अब यहाँ ज्ञान कांड को बताएंगे। देखो टीका में दे रहे कर्मांग साम, कर्म का अंग साम जो है दो प्रकार का होता है, छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से आएगा। पांच भक्तिकम सा साप्त भक्तिकम च, जो साम गान करते हैं बहुत सुंदर लगता है, उसमें पांच भाग वाला साम, भक्ति यानी भाग, पांच अवयव वाला साम और सात अवयव वाला साम। कौन कौन है पांच अवयव वाला? देखो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, आदि और उपद्रव, ये तो सात हो गए। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ये पांच पांच भक्ति हो गए, पांच भक्तिक साम, इन पांच अवयव वाला साम। मतलब किसी साम मंत्र में पांच अवयव रहेंगे तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, और किसी में सात अवयव रहेंगे तो दो और आदि और उपद्रव। तो पांच भक्ति वाला साम और सप्त भक्ति कम साम, सात अवयव वाला साम, वहां बताए जा चुके हैं। और तद विषयाणी उपासनानी, उस जो है साम विषयक उपासनाएं पृथ्व्यादि दृष्टिया उक्तानी, पृथ्वी दृष्टि से उपासना करनी, पृथ्वी दृष्टि से हिंकार की उपासना करनी है, अग्नि दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करनी है, अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गीत की उपासना, आदित्य दृष्टि से प्रतिहार की उपासना, द्यूलोक दृष्टि से निधन की उपासना, ये सब छांदोग्य में भी थोड़ा आएगा, इसके पहले बताई जा चुकी है। प्राण दृष्टिया गायत्र सामोपासनम च, प्राण दृष्टि से गायत्र साम है, उसकी भी उपासना बताई गई। और आखिरी में शिष्याचार्य संताना विच्छेदो वंश, शिष्याचार्य की जो परंपरा चल रही है उसका विच्छेद नहीं होना, इसको कहते वंश, संप्रदाय परंपरा। आखिरी में जैसे बृहदारण्यक में अंतिम में वंश ब्राह्मण आया है, पूरे वंश इस ऋषि से इसको मिला, इनको इन उन ऋषि से इनको मिला, तो उसको वंश कहते हैं। तद अवसाने न ग्रंथे न कार्य रूपम वस्तु ये वस्तुक्तम, वहां तक के ग्रंथ के द्वारा कार्य रूपी वस्तु कही गई, कर्तव्य रूपी वस्तु कही गई, वस्तु उत्तम चेत तरी प्राणादि उपासन सहित से कर्मण संसार फलत्वात्। तगर वो कार्य रूपी वस्तु कही गई है, कार्य विषयक वहां वर्णन आया है, तब तो प्राणादि की उपासना के सहित जो कर्म है वो तो संसार फलक हो गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात, तो ब्रह्म ज्ञान में उसका उपयोग कैसे होगा? इसलिए कथम हेतु हेतु मद्भाव संबंध हो अभिधित, हेतु हेतु मद्भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध कैसे कहना अभिधित हो गया, अविधान का विषय है, अभिधातु मिष्ट है, कैसे कहा जा रहा है?
इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे कि देखिए काम में कर्म और निषिद्ध कर्मों का तो यहाँ ज्ञान में ब्रह्म जिज्ञासा में उपयोग नहीं होता, किंतु नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म उपासनाएं इन सब का उपयोग होता है। भाई उपासना नहीं करोगे तो हमारा चित्त एकाग्र होगा ही नहीं, मन कितना चंचल है, यहाँ से वहाँ तुरंत भाग जाता है। बिना उपासना के मन स्थिर नहीं होता, और नित्य कर्मों से भी जो है राग द्वेष आदि अशुद्धि हटती है। इसलिए कह रहे नित्य कर्मणाम तावज ज्ञानोपयोगित्वम कथयति, सबसे पहले तो नित्य कर्म ज्ञान के उपयोगी है, नित्य कर्मों की उपयोगिता ज्ञान की उत्पत्ति में है, इसको बता रहे कथयति सर्वमेतत्। देखिए भाष्य में अनंतरम च गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम, इसके बाद गायत्र साम विषयक उपासना कही गई, वंशांतम जिसके अंत में वंश ब्राह्मण वंश के विषय में आया है, कार्यम ये सब के सब कार्य रूप है, विनाशी फल वाले सर्वमेतद यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च, ये सभी के सभी जो कर्म और उपासना ज्ञान है नहीं उपासना, ये सब कार्य रूप है, संसार फलक है। सम्यक अनुष्ठितम, सम्यक रूप से अनुष्ठान करने पर ये सब जो है सांसारिक रूपी फल को देंगे, लेकिन अगर कामना से रहित होकर के हम करेंगे निष्कामस्य मुमुक्षो सद्य शुद्ध्यर्थम भवति, सम्यक अनुष्ठितम च अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षो, अगर वह मुमुक्षु निष्काम पुरुष कामना से रहित पुरुष उन सभी का सम्यक रूप से अनुष्ठान करेगा, फल को नहीं चाहते होंगे, तब वही के वही कर्म वही उपासनाएं सत्व शुद्धि अर्थम भवति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो जाते हैं, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए कामना से जब कर्म करेंगे तो संसार रूपी फल को देंगे, सांसारिक फल देंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, इसलिए इन दोनों में संबंध है, वो कारण रूप हो गया और ज्ञान जो है कार्य रूप हो गया, क्योंकि कर्म उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान की योग्यता आ गई, इसलिए दोनों में संबंध है। टीका में देखिए आगे, काम्यानाम प्रतिसिद्धानाम च फलम तद्दोष दर्शनेन वैराग्यार्थम कथयति, अब यहां बता रहे काम्य कर्मों का फल क्या है, प्रतिसिद्ध कर्मों का फल क्या है, तो उनमें जो अनित्यत्व आदि दोष दर्शन के द्वारा वैराग्य के लिए वही काम्य कर्म मुमुक्षु को नहीं करना चाहिए, प्रतिसिद्ध कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कौन सा फल मिलेगा, अनित्य फल ही मिलेगा, इसलिए अनित्यत्व क्षहिष्णुत्व रागवर्धकत्व इन दोषों को दिखा करके वैराग्य के लिए वो बता रहे काम्य और निषिद्ध कर्मों के फल को यहाँ दिखा रहे सकामस्य तु, भाष्य में देखिए सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य, जो व्यक्ति नाना प्रकार के कामनाओं से युक्त है ज्ञान रहितस्य में तो उपासना रहितस्य, उपासना से रहित उपासना नहीं कर रहा है और कामना से विशिष्ट हो करके ही नाना प्रकार के कर्मों को कर रहा है, तो उसके सभी कर्म केवलानी श्रौतानी स्मार्तानी च कर्माणि, उसके सभी केवल जो श्रौत और स्मार्त सभी कर्म दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति, उसके सभी कर्म दक्षिण मार्ग की प्रतिपत्ति के लिए मतलब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जा करके फिर क्या मिलेगा, पुनरावृत्ति दोबारा संसार में आ जाएंगे, इसलिए जो सकाम पुरुष है वो संसार में ही भटकते रहता है, कौन सा फल मिलेगा, अनित्य फल ही मिलेगा, स्वर्ग भी जाएगा वहां से पतित होना पड़ेगा, इसलिए वो पुनरावृत्ति को देने वाला ही फल है, अनित्य फल ही मिलता है, इसलिए वहां से व्यक्ति को दोष दर्शन करके हटना चाहिए, यहां ये द्योतित हो गया। स्वाभाविक क्या तो अशास्त्रीय प्रवृत्तिया,
पश्वादि स्थावरांताधोगति स्यात्। देखिए शास्त्रीय मार्ग तो दो है, एक उत्तरायण मार्ग एक दक्षिणायन मार्ग। इन दोनों को छोड़ करके जो व्यक्ति मनमानी प्रवृत्ति करता है, नाना प्रकार के चोरी हिंसा व्यभिचार आदि नाना प्रकार के पापों को करता है, तो उसके लिए क्या फल है शास्त्र में? क्या शास्त्र में क्या बताया गया है? बोले जायस्व म्रियस इत्येतत् तृतीयम स्थानम्। जीवो मरो, बारंबार पैदा हो बारंबार मर जाओ, जीवो मरो। जैसे मच्छर आदि कई बार मरते हैं और बड़े जल्दी जल्दी पैदा होंगे मरेंगे। तो जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनमानी, इसमें से जो है तीन प्रकार के, शारीरिक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप। स्वाभाविक प्रवृत्ति में सब आएंगे। शारीरिक पाप क्या है? चोरी हिंसा व्यभिचार। वाणी के द्वारा क्या पाप होता है? तो झूठ बोलना, मतलब मिथ्या बोलना, कठोर बोलना, परुष वचन, निंदा करना और असंबद्ध बात को बोलना। ये चार पाप वाणी से होते हैं और तीन पाप जो है मन से होते हैं। पर वस्तु का लोभ, पर द्रव्य का लोभ एक हो गया, अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट चिंतन करना, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और मिथ्या विनिवेश, शरीर को आत्मा मानना, ये तीन मन के पाप है। तो शारीरिक पाप ज्यादा करता है व्यक्ति तो ये वृक्ष आदि की योनि मिलती है। वाणी से ज्यादा पाप करेगा तो पशु पक्षी बन जाएगा, मृग आदि बनता है, और मन के द्वारा ज्यादा पाप करेंगे तो चांडाल आदि की योनि मिलती है। शरीर जय हे कर्म दोषैर याति स्थावरताम नर वाचिक पक्षी मृगताम मानसैर अंत्य जातिता में मनुस्मृति में आया है। शरीर से ज्यादा पाप किया तो स्थावर योनि यानी वृक्ष आदि की योनि मिलती है। वाणी से किया गया तो पक्षी और मृग बनेगा। मन मानसिक पाप ज्यादा किया तो अंत्य जाति चांडाल आदि, ते सब होता है। यही बात स्वाभाविक क्या तो अशास्त्रीय या प्रवृत्तिया। स्वाभाविक जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति है मनमानी मनमर्जी जो कुछ भी कर रहा है, तो उससे पशुआदि स्थावरांता अधोगति स्याद। पशु पक्षी आदि से लेकर के स्थावर पर्यंत वृक्ष आदि की योनि, वहां तक तो अधोगति होती है। तो देखिए यहां से भी, इसलिए व्यक्ति में दोष दर्शन करके वहां से भी हटना चाहिए। तो अब इसमें बताएंगे आज जो है अल्पारंभाक क्षेम करी, आरंभ में थोड़ा सा अल्प करना चाहिए, वो कल्याण करता है। इसलिए आज जो है आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।